रहमतुल्लाह बरकातुहू। कैसे हैं आप? चलिए आज हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं पेटीएम के बारे में। एक्चुअली पेटीएम का तो बहुत पहले से ही लोग यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन जब से भारत में नोटबंदी का प्रथा चला है तब से ये पेटीएम का यूजेस छोटे बड़े हर एक बिजनेसमैन यूज़ कर रहे हैं। इवन स्टूडेंट्स और इम्प्लॉयज़ सभी पेटीएम का यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली आपका बैंक में पैसा है, लेकिन बैंक में लाइन लगा के जमा करना उठाना फ़िलहाल के लिए बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो पेटीएम का हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे, उसमें उसका वॉलेट में हम लोग किस तरह से पैसा को ट्रांसफ़र करेंगे अपने बैंक के ज़रिए, और पेटीएम का क्यूआर कोड वगैरह कैसे बना के हम अपने दुकान वगैरह में फ्रंट में लगा सकते हैं ताकि हम लोग रिसीव कर सकते हैं अपने कस्टमर से। तो चलिए उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पेटीएम में का इस्तेमाल फ़िलहाल कैसे कैसे लोग कर रहे हैं। पेटीएम का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन बहुत लोग को मालूम है लेकिन इसका यूज़ नहीं समझ पाते हैं। तो फ़िलहाल हम लोग देखते हैं कि पेटीएम का यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है। देखिए छोटे मोटे सब्जी वाले, मसाले वाले हैं, इवन पुचका वाले भी पेटीएम का यूज़ फ़िलहाल कर रहे हैं। खुदरा वगैरह का बहुत मैंने क्राइसिस होने के बाद ऐसा उन लोगों को कदम उठाना पड़ा। ठीक है, ऑटो वाला तो बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं। जो बड़े बड़े सिटी में हैं वहाँ पर तो ऑटो में मीटर के पास ही पेटीएम का बार कोड क्यूआर कोड वगैरह लगा रहता है, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। खुदरा वगैरह का मचमच से सब मच जाता है। देखिए किस तरह से पेटीएम का यूज़ हो रहा है, बहुत सिंपल है। अगर आप लोग इसको यूज़ कीजिएगा तो बहुत ही सिंपल है। इस तरह से पेटीएम का यूज़ करके इवन पेट्रोल पंप और इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं। इसके अलावा भी पेटीएम का बहुत सारा यूजेस है। यहाँ पे देखिए, अगर आप माने पीसी से लॉगिंग होते हैं तो यहाँ पे paytm.com में जाइए। जाने के बाद यहाँ पे साइन अप कर लीजिए। साइन अप करने के बाद अपना यूज़र आईडी पासवर्ड बना लीजिए। यहाँ पर देखिए किस किस तरह से पेटीएम का इस्तेमाल हो रहा है आजकल। मोबाइल रिचार्ज, DTH, इलेक्ट्रिसिटी, डेटा कार्ड, लैंडलाइन, गैस का पेमेंट, इवन ट्रेन का टिकट, वाटर और ब्रॉडबैंड, डिफरेंट डिफरेंट तरीक़े से पेटीएम का यूज़ हो रहा है। इस तरह से आपका खुलेगा। और ये कुछ गुड्स वगैरह, कुछ सामान प्रोडक्ट वगैरह भी ये लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो पेटीएम का जो क्रेज़ है पहले की अपेक्षा, पहले की तुलना में अभी मोर देन 1000 टाइम बढ़ चुका है। तो सबसे पहले हम लोग अपने मोबाइल में चलते हैं। मोबाइल में जाने के बाद वहाँ पे हम लोग किस तरह से पेटीएम में, पहले तो हम लोग उसमें अपना बैलेंस को ट्रांसफ़र करेंगे बैंक से। देखिए फ़िलहाल हमारा बैलेंस 0 है, ये देखिए हमारा नाम है। हम लोग मोबाइल में जाते हैं और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद हम लोग वहाँ पे सबसे पहले बैलेंस को ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद देखते हैं। तो चलिए हम लोग मोबाइल में चलते हैं। ये हम लोग अपना मोबाइल में आ गए। मोबाइल में आने के बाद आप लोग सबसे पहले यहाँ पे आप प्ले स्टोर में जाके यहाँ पे पेटीएम का जो ये है आप गूगल प्ले से इंस्टॉल कर लीजिए। iOS वर्सन मैंने आईफोन के लिए भी है, एंड्रॉयड के लिए है, तो हम एंड्रॉयड का यहाँ पर ही इंस्टॉल कर चुके हैं। और यहाँ से यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह दे दीजिए। ठीक है, तो ये आपका पेटीएम खुलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमको वॉलेट में सबसे पहले पैसा को ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो किस तरह से पैसा को ट्रांसफ़र करेंगे, हम लोग को ऐड करना है वॉलेट। एक्चुअली वॉलेट होता क्या है, पेटीएम वॉलेट, ये जिस तरह से बैंक में आपका पैसा होता है उसी तरह से ये वॉलेट जो है वर्चुअल आपका समझ लीजिए एक बैंक ही है। यहाँ पे
आप अपने बैंक से 200, 300, 400 जो अपना डालना है वॉलेट में डाल दीजिए, और जितना भी पेमेंट करना है आप डायरेक्ट पेटीएम से कीजिए। बार बार आपको बैंक का डिटेल्स को फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पैसा को डालते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ एक ऑप्शन है, आपको ऑप्शन मिलेगा पासबुक का। यहाँ पे आप जाइए और यहाँ पे सेंड एट मनी टू वॉलेट कीजिए। करने के बाद अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कितना अमाउंट डालना है, तो हम लोग डाल लेते हैं, फिलहाल 200 रुपये डाल लेते हैं। ऐड मनी, ऐड मनी में जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने आपको बैंक का डिटेल इसमें भरना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग बैंक का डिटेल डालते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बैंक का डिटेल वगैरह डालने के बाद, और यहाँ पे देखिए सेव दिस कार्ड फॉर फास्टर चेकअप। अगर आप चाह रहे हैं कि ये वाला जो डिटेल है आपका मोबाइल में सेव रहे, नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रांसफ़र करें तो यहाँ से आप बार बार ये करने की ज़रूरत ना पड़े, तो हम यहाँ पर फ़िलहाल अनचेक कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये हम डेबिट कार्ड से यूज़ कर रहे हैं पैसा को ट्रांसफ़र करने के लिए। अगर आप चाह रहे हैं नेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड कुछ भी है, तो यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इसको हम पे करते हैं। पे करने के बाद आपको पेमेंट गेटवे में ले जाएगा। वहाँ से हो सकता है आपके मोबाइल में एक ओटीपी आए, तो ओटीपी आए तो ओटीपी आ गया, देखिए। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ओटीपी आ गया है। अब सबमिट ओटीपी करना है। देखिए 200 रुपया आपके वॉलेट में तो देखिए, यहाँ पर सबमिट करने के बाद आपके पास 200 रुपया आपके अकाउंट में चला आया है, ठीक है। यहाँ पे तमाम डिटेल देने के बाद 200 रुपया आपके, फ़िलहाल ये आप किस तरह से देखेंगे, यहाँ पर देखिए पासबुक का ऑप्शन है, यहाँ पासबुक में जाइए और यहाँ पर आप देख लीजिए। और जो भी आप ट्रांजेक्शन यहाँ पे करिएगा, पेड कीजिएगा या रिसीव करिएगा, ठीक है, तो सब चीज़ यहाँ पर ही आपको दिखने को मिल जाएगा। और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से हम 200 रुपये यहाँ पे इसमें इंटर किए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे फ़िलहाल आपके पास 200 रुपये आपके वॉलेट में आ चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी को पेमेंट करने के लिए, ठीक है, किसी को आप पे करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक पे का ऑप्शन है। पे दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप क्यूआर कोड जेनरेट कर लीजिए। तो क्यूआर कोड पहले किस तरह से जेनरेट किया जाता है वो हम आपको अब दिखा देते हैं, ताकि वो आप, अगर आप दुकानदार हैं तो आप उसको अपने दुकान में फ्रंट में प्रिंट आउट करके लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ही नीचे में देखिए एक प्रोफाइल का ऑप्शन आपको मिलेगा। प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद यहाँ आप देखिए मोहम्मद शब्बीर, 200 रुपया हमारे इसमें आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए एक क्यूआर कोड का आपको सिंबल मिलेगा, या माई क्यूआर कोड का इस तरह से अगर ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। ये क्लिक करने के बाद ये वाला जो चीज़ है आप प्रिंट आउट करवा लीजिए, या यहाँ से आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ से अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप में या फेसबुक में, जिससे आपको पेमेंट चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इसको प्रिंट आउट करके आप दुकान में लगा लिया। कोई बंदा आपको पेमेंट करना चाहता है तो वो अपने कैमरा से इसको यहाँ पे स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद
आपको पेमेंट दे देगा, वो अपना डिटेल भर के अपना पेमेंट दे देगा। ठीक है, तो अभी हम लोग फ़िलहाल चलते हैं होम में। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको किसी से पेमेंट रिसीव करना है, तो यहीं पे देखिए एक्सेप्ट पेमेंट का एक ऑप्शन मिलता है आपको, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको क्यूआर कोड वगैरह आ जाएगा, जो ये आपका अपना होगा या जिससे आप रिसीव करवाना चाह रहे हैं उससे, उसको आप यहाँ पे उसका मोबाइल से आप ये क्यूआर कोड को स्कैन करा लीजिए, ऑटोमेटिकली आपका डिटेल उसके पास चल जाएगा और जितना पेमेंट करना है वो आपको पेमेंट कर देगा। या अगर उसके पास कैमरा अगर वर्क नहीं करता हो तो डायरेक्ट ये जो आपका नंबर है इस नंबर को भी, उसमें दो ऑप्शन रहेगा क्यूआर कोड को या तो स्कैन कीजिए या तो नंबर को फिलअप करके आपको वो पैसा को पेमेंट कर सकता है इससे। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम लोग अपना पेमेंट और रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें फंक्शंस हैं। और यहाँ से देखिए नियर बाई का एक ऑप्शन है, कौन कौन लोग आपके आस पड़ोस में यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर ही आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, इतने लोग आपके नियर बाई जो है लोकल एरिया में यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये देखिए यहाँ पर डिटेल का ऑप्शन है, डिटेल में आप क्लिक करके आप देख सकते हैं कि और क्या क्या है फ़िलहाल आज का ऑफ़र अगर आप परचेज़ करना चाह रहे हैं तो। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट भी है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ पे आप अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन, शॉप ऑन पेटीएम, बुक ऑन पेटीएम, रिचार्ज, तमाम चीज़ इसमें रोज़ाना कुछ ना कुछ अपडेशन होते आ रहा है। ठीक है, और बहुत ही सिक्योर साइट है एक्चुअली, इससे पहले भी हम बहुत बार यूज़ कर ही चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले अपना अपना बैंक अकाउंट से इसमें पैसे को ट्रांसफ़र कर लीजिए, बस मोबाइल लेके घूमिए, जिसको पेमेंट करना है जहाँ एक्सेप्ट किया जाता है पेटीएम वगैरह, तो वहाँ पर ही आप उसके दुकान से बारकोड को स्कैन करके जो ख़रीदना है ख़रीद लीजिए, और बारकोड से स्कैन करके आप उसको पेमेंट कर सकते हैं या किसी से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था आपको देना था। अगर आपको पसंद आया होगा, आपके लिए यूज़फुल होगा, तो आप ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। हो सके तो हमारे इस चैनल को आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए लाल बटन में।